जमशेदपुर में निवेश करेंगे, क्षमता तो नहीं बढ़ाएंगे उत्पादन का, जो निवेश करेंगे, तो आपके माध्यम से मेरा उनसे आग्रह है कि जमशेदपुर में वे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक एमिनिटीज में निवेश करें, जो क्योंकि जमशेदपुर में नगर पालिका का ढांचा बहुत कमजोर है, जिसके मजबूत होने की जरूरत है, चाहे वो नगर निगम के रूप में हो या औद्योगिक नगर समिति के रूप में हो, तो ये ढांचा का मजबूत करना आवश्यक है। ऐसा है कि उस जमीन पर JNSE का कब्जा हो गया है, कब्जा ले लिया है जमीन JNSE ने, मगर आज तक कब्जा कागज पर ही है, क्योंकि हमारे विधायक निधि से कोई स्कीम अगर वहां लागू होने के लिए गई तो उसका विरोध हो गया, विरोध हो रहा है कि हम साफ नहीं करने देंगे, जबकि पहले वहां विधायक निधि से व्यय हुआ है, विधायक निधि से सारा मैदान संघ मैदान सब बना है, तो इसमें तो मैंने कहा उपायुक्त से भी, JNSE से भी, और आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, तो एक हफ्ता के भीतर आप निर्णय लीजिए इस पर, चुप है अपने नॉमिनी से, मगर विधायक निधि स्वीकृत है, सरकारी योजना भी बन गई है, और कोई अगर लागू नहीं होने देगा, तो मैंने इस हैंड आउट में यह लिखा है कि यह जो अतिक्रमण है वैसा ही अतिक्रमण माना जाएगा जैसा हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 8.5 एकड़ में बाउंड्री बनाकर उसको घेर लिया, उनके नाम पर तो नहीं हो, तो ठीक उसी तरह का ये मामला होगा, और मैं एक हफ्ता का समय इसलिए दे रहा हूँ कि मैं प्रशासन से पूछ लूंगा, यहाँ आना में बता दीजिए कि मेरे विधायक निधि की योजनाएं आप लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो मैं कोई दूसरा फोरम तलाश करूंगा जिससे मैं इसे करवाऊं, और इस